हेलो माही दीदी, आई एम सौम्या फ्रॉम गुजरात। और यस, मैं आज वापस से कुछ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जो मैंने अभी 21 डेज की हीलिंग, जो सेल्फ हीलिंग वर्कशॉप थी, वो मैंने वापस से अटेंड की है। हर बार की तरह ये भी बहुत मैजिकल रही है, बहुत कुछ सीखने मिला है। एंड सच में वर्कशॉप अटेंड करने के बाद ना पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है। वर्कशॉप के साथ साथ न्यू फ्रेंड्स, पूरा ग्रुप जो बहुत बहुत ही बेस्ट रहता है, सब लोग एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एंड सीरियसली मैं दीदी, आप बहुत ही अच्छे हो, इतना डीपली नॉलेज सबको देते हो। ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी आप बाकी रखते हो, नहीं, आप सब कुछ प्रॉपरली नॉलेज देते हो। एंड ऑलवेज हमारे अच्छे के लिए आप सारी चीज़ें सजेस्ट करते हो, आप अच्छा भी बताते हो अगर हमारे लिए क्या बेस्ट है क्या बेस्ट नहीं, वो सारी चीज़ आप हमसे शेयर करते हो। जो प्रैक्टिस वगैरह जो होता है, मेडिटेशन, होपोनोप्रेयर, ग्रेटिट्यूड, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, ये सीरियसली मैं आप बहुत अच्छे से हमें सिखाया है। और सच में आपके साथ प्रैक्टिस करने में और भी मज़ा आता है। 21 डेज जो अभी हुए हैं दीदी, सच में मैं बहुत और ज़्यादा पॉजिटिव हो गई हूँ। पता है, सब लोग मेरी केयर करते हैं, सब लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, और धीरे धीरे ये सच में होने लगा है। और इस बार तो हम ऑफिस में मेरे फ्रेंड्स लोग मेरी केयर करते हैं, मतलब मैं लंच लेके नहीं जाती हूँ, वो लोग सामने से अपना लंच मुझे देते हैं खाने के लिए। अगर मैं नहीं खाती हूँ ना, तो मुझे उनके हाथों से खिलाते हैं। मेरे घर पर मम्मी पापा सब लोग मुझसे बहुत प्यार करने लगे हैं। एंड येस, मनी भी मैं बहुत ईजिली अट्रैक्ट करने लगी हूँ। मैं ये जो भी वर्कशॉप्स है, सब लोग विश के लिए अटेंड करते हैं कि वर्कशॉप। मैं सबको दिल से ये बताना चाहती हूँ कि एक्सपेक्टेशंस छोड़ दो। मैंने दीदी की वर्कशॉप से यही चीज़ सीखी है कि एक्सपेक्टेशंस मत रखो कोई भी चीज़ की। सिर्फ अपने लिए एक बार आ जाओ, अपने लिए ये वर्कशॉप अटेंड कर लो, अपने लिए सारी चीज़ें कर लो, कभी भी विश मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं चैलेंज देती हूँ, सच में पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। जो चाहिए रहेगा ना, यूनिवर्स सामने से आपको देने आएंगे, सामने से आपको देंगे कि ये लो बेटा तुम्हारी विश। क्योंकि जब हम खुद से प्यार करने लगते हैं ना, तो चीज़ें अपने आप आने लगती है। कंसिस्टेंसी रखो, एक्सपेक्टेशंस को छोड़ दो, कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, सामने से चीज़ें आती जाती है। एंड सच में मैं सबको बोलना चाहूँगी कि एक बार दीदी की वर्कशॉप्स अटेंड करो। दीदी ने सीरीज़ डाली हुई है यूट्यूब पे, आप प्लीज़ अटेंड करो। आप दिल से करो, कंसिस्टेंसी के साथ करो, मैजिक होना ही होना है। क्योंकि रियली में दीदी ने जो भी चीज़ शेयर की हुई है, दीदी ने दिल से शेयर की हुई है, और उसमें मैजिक ना हो ये इट्स इम्पॉसिबल है। एंड मैं सबको दिल से ब्लेसिंग्स देना चाहूँगी। मैं दीदी आपको ब्लेसिंग देना चाहूँगी कि आप सच में सबकी लाइफ चेंज कर रहे हो। और यस, और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, छोटी सी सक्सेस स्टोरी की। कभी मेरे घर पे ये सारी चीज़ फॉलो नहीं करते थे, मतलब कि मैनिफेस्टेशन, या तो फिर अगर मैं कोई वीडियोस भी देखती थी तो मुझे कभी ऐसे देखने नहीं देते थे। पर माही दीदी की 2 वर्कशॉप के बाद पता नहीं मेरे घर पे ऐसा तो क्या मैजिक हो गया कि मेरी मम्मी ऐसे सुनती है माही दीदी के वीडियोज़। ये मेरे लिए बहुत बड़ी मैजिकल की बात है कि मेडिटेशन भी अब मैं मेरी मम्मी पापा के सामने करती हूँ ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैजिकल से कम नहीं है। पता है, जब हम खुद से जुड़ जाते हैं ना, तो पूरा यूनिवर्स, सब लोग हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, सारे रेजिस्टेंस चले जाते हैं। इसलिए सब लोगों को दिल से मेरी ब्लेसिंग्स है। एंड थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड अब नेक्स्ट जो भी बैच आएगा, सच में वापस ऐसा हो रहा है कि फिर से हम ज्वाइन करें, फिर से मैजिकल वाली दुनिया में रहें। और थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। छोटी सी लाइन्स आपके लिए, रोशनी बनकर आए हो आप हमारी ज़िंदगी में, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ। ज़मीन से लेके आसमान तक पहुँचाने का जो हुनर रखते हो आप, ऐसे मेरे प्यारे से माही दीदी को मैं सलाम करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माही दीदी, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, थैंक यू मेरी लाइफ चेंज करने के लिए माही दीदी।